जय जगन्नाथ आपण समस्त को आ गोटे नुआ वीडियो रे पुणि थरे स्वागत। आज वीडियो रे आम डिस्कसन करिबा प्राक्टिस सेट नंबर 15। एएसओ एग्जाम रो मैथमेटिक्स सिलेबस को कवर करने आम टोटल 50 डे रो प्लान करथिले। जेमिति प्लान थिला सेमिति आपणकर क्लास चली। आज आपणकर डे नंबर 50 माने आज आपणकर लास्ट क्लास। प्रत्येक दिन सकाळ 9टा रे आपणकर क्लास रहउची स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of February। देखिनियंतु टोटल 50 डे प्लान आपणकर सामना रे डे नंबर 1 रो नेकि डे नंबर 49 पर्यंत ऑलरेडी 49 क्लास आपणकर कवर हो सारी। जदि आपण माने से क्लास गुड़ा देखी ना प्लेलिस्ट रो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिल जाव सेठ जाइ चेक करें। प्रत्येक वीडियो को सिक्वेन्स देखि पारे। जदि एपर्यंत आपण माने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होना टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होवा पई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अवेलेबल अछि। सेठ जाइ टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु। पीडीएफ वगैरह सब वीडियो रो पीडीएफ वगैरह आपको सेठ अवेलेबल मिल जाव। डाउनलोड करके सेठ आपने प्रिपेरेसन करेंगे। आज है आपको डे नंबर 50 डिस्कसन करवा प्राक्टिस सेट नंबर 15। बहुत इंपोर्टेंट क्लास रही आम डिस्कसन करवा रैशनल नंबर आउ के रहा आमर आई मीन नंबर सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चन करवा ता सहित आम डिस्कसन करवा सर्कल रिलेटेड किसी क्वेश्चन। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन अच्छे डिस्कसन करवा। क्वेश्चन नंबर 1 रु स्टार्ट करवा इरेशनल नंबर द डेसिमल फॉर्म ऑफ 129 डिवाइडेड बाय 2 रो स्क्वायर इंटू 5^7 इंटु 7^5 इच एटा कौन हम जदि सिंपली 2 रो स्क्वायर था आउ 5^7 था तेल 2 आउ 5 रो फॉर्म रे जदि था कौन होता एटा गोटे टर्मिनेटिंग डेसिमल होता। बट ये जेहेतु 7 एटी इनक्लूड अच्छी एटा कौन हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। एवं जी क्वेश्चन नंबर 2 को HCF ऑफ 8, 9, 25 एम किसी भी कमन मल्टीपल ना सो 8, 9 आउ 25 केवल 1 रे डिविजिबल हो पारे 1 8 जा 1 9 जा 1 25 जा। सो 1 हो कमन फैक्टर दैट इज हाइस्ट कमन फैक्टर 1 ही केवल आउ गोटे हाइस्ट फैक्टर हम आई मीन हाइस्ट फैक्टर तो केवल गोटे हम ये तो गोटे मात्र फैक्टर दैट इज 1 सो से हाइस्ट ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। देखो प्रथम कंडीशन रे 2 - √3 गोटे इरेशनल ता सहित रैशनल मल्टीप्लाई है यहीटा होकर इरेशनल। सेकेंड कंडीशन रे इरेशनल सहित इरेशनल को आड करके रैशनल मल्टीप्लाई कराला रैशनल मल्टीप्लाई कराला यहाँ कौन हम यहाँ गोटे इरेशनल हम। थर्ड कंडीशन देखो √2 - √3 × √2 + √3 फर्स्ट केसटा है इरेशनल सेकेंड केसटा भी इरेशनल दुईटा मल्टीप्लाई है पर कौन हम √2 - √3 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 - 3 आई मीन √2 - 2 2 - 3 दिस इज इक्वल टू -1 बुझा पड़ा। सो ये जो माइनस है यहाँ -1 है यहाँ कौन हो रैशनल नंबर सो से आम कौन कहीपर यही मानक प्रडक्ट है रैशनल नंबर तेने नॉट इरेशनल हो सो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज जितेबाला गोटे रैशनल नंबर सहित गोटे इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करवा तार प्रडक्ट आसो कौन इरेशनल नंबर ये जगह आमको करें पड़ा ऑप्शन में देखो बोथ ऑफ द अबव नॉन ऑफ द अबव देती बोथ ऑफ द अबव हबा कथा एक्चुअली सो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। कौन पर देखो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन प्रथम कही प्रडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल मुझे जदि रैशनल नंबर 2 नहीं गली इरेशनल नंबर √3 नहीं गली दुईटा मल्टीप्लाई कला कौन आस 2 √3 आउ यहाँ भल भाव में जानी यहाँ कौन हो गला गोटे इरेशनल नंबर सो ऑप्शन बी सैटिस्फाई करुच्छी किंतु रैशनल नंबर जब मुझे 0 नहीं गली ता सहित जो इरेशनल नंबर √3 मल्टीप्लाई कली दिस इज इक्वल टू कौन हो 0 किंतु यहाँ हो गला कौन रैशनल नंबर तामने ये बोथ कंडीशन बोथ ऑफ द अबव हबा कथा रैशनल नंबर सैटिस्फाई करुच्छी बुझा पड़ुच्छी रैशनल नंबर भी सैटिस्फाई कला ना ये 0 आसीगला सो बोथ ऑफ द अबव हबा कथा किंतु एग्जाम रे प्राय टाइम आपन को ये क्वेश्चन पचारे इरेशनल नंबर टिक कले ही आमर मार्क आसी थाए किंतु एक्चुअल आंसर है बोथ ऑफ द अबव हबो बुझा पड़ला किंतु आपन इरेशनल नंबर टिक करबाटा मो जानिबार ठीक हबो जदि आपन मानको लागू थाए कि बोथ ऑफ द अबव ठीक करियार छि तो बोथ ऑफ द अबव ठीक करि परिबे बुझा पड़ला मु मार्क ओरिएंटेड कोची एक्चुअल आंसर है कौन बोथ ऑफ द अबव हैला। तापर देखु क्वेश्चन नंबर 5 रे पचार द सम ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर गोटे रैशनल सहित इरेशनल को सम करूँ एटाला रैशनल एटा इरेशनल कौन है टोटल जोटा नंबर फॉर्मेशन है गोटे इरेशनल है सो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखा द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज यही जगह देखूँ बोथ ऑफ द अबव हबा कथा इरेशनल एंड रैशनल हबा कथा बट एठी आपको बी रे टिक करने पड़ो इरेशनल नंबर कौन देखूँ डिफरेंट इरेशनल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कही मन कर √2 - √3 या पूर्व आम जहाँ डिस्कसन करते सहित √2 + √3
ए दुटा देखो अलग अलग इरेशनल नंबर तांकर मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज रूट टू स्क्वायर हो जाए माइनस रूट थ्री स्क्वायर हो जाए प्रोडक्ट मैंने रिजल्ट के टू माइनस थ्री दिस इज इक्वल टू माइनस वन बुझा पड़ा। सो माइनस वन हेले ऑप्शन नंबर एटी देखो माइनस वन मीन्स कौन ऑप्शन नंबर ए रे रैशनल नंबर सो ये रैशनल होची माइनस वन मीन्स कौन रैशनल भी होची किंतु ए जगह आमको इरेशनल टिक करने पड़ी कारण आम डिफरेंट इरेशनल नंबर में एक्चुअल देखा गले बोथ अफ द एबव हवा कथा कारण डिफरेंट इरेशनल नंबर जब मुझे रूट टू सहित रूट थ्री मल्टीप्लाए कले दिस इज इक्वल टू रूट सिक्स होगा यहाँ गोटे मोर इरेशनल है किंतु गोटे गोटे केस रैशनल भी होची। सो बोथ अफ द एबव हवा कथा करेक्ट आंसर बट आमको इरेशनल टिक करने पड़ू एग्जाम एग्जाम ओरिएंटेड बुझा पड़ा। क्लास टेन रे जो भी बुक आपण मैंने फॉलो करेंगे से आपको ऑप्शन मिल जाव इरेशनल नंबर बुझा पड़ा। जदि कौन बुक रे आपन को बोथ अफ द एबव थाए काइंडली टेलीग्राम रे शेयर करेंगे आम से विषय भल भाव डिस्कशन करवा ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर सेवेन देखा द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एटा कौन ऑलवेज इरेशनल हो दुटा इरेशनल नंबर को जिते बड़े आपड़ करेंगे डेफिनेटली इरेशनल नंबर हम ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर रूट टू सहित रूट थ्री आड कर दिंतु एटा कौन है इरेशनल जदि आप माइनस रूट टू सहित रूट थ्री आड करा आपर कौन है इरेशनल नंबर बुझा पड़ा। सो ऑप्शन ए होगा आपंकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट देखु इफ बी इक्वल टू थ्री देन एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज जदि बी इक्वल टू थ्री हुए ये किसी बुझा पड़ न थी बी इक्वल टू थ्री दे दीजिए ए इक्वल टू कौन पचार मन रखु यूक्लिड्स डिविजन लेमर आम लिखुले ए इक्वल टू बी क्यू प्लस सी ये ए कौन थी डिविडेंड डिविडेंड बी थी कौन डिवाइजर डिवाइजर क्यू थी कोसेंट कोसेंट सी थी कौन रिमाइंडर। सो ये जगह देखूँ आमको यही फॉर्म देखा गले जदि ए ए को आम देखा जो जगह बी इक्वल टू जदि थ्री हो जाए दुनिया रे कौन सी भी इंटीजर को लिखी ना एनी इंटीजर दुनिया रे कौन सी भी इंटीजर को आम कमी रिप्रेजेंट कर पार यार गोटे प्रूफ अच्छी यहाँ आपणकर एनसीईआरटी बुक मिल जाए कि आर डी शर्मा बुक मिल जाए यहाँ ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर मुझे कौन पाई ए कहूँ आपन प्रूफ करके देखा देखूँ कोई भी दुनिया रे नंबर होता आम थ्री क्यू फॉर्म ए इक्वल टू थ्री क्यू फॉर्म रे रिप्रेजेंट कर पारिबा ए इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन फॉर्म रे किंबा ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू फॉर्म रे आम रिप्रेजेंट कर पारिबा। सो थ्री क्यू प्लस एटी किसी नहीं मैंने जीरो रखिदा बुझा पड़ा सेम जिन खाली थ्री क्यू लिखिपारे कि थ्री क्यू प्लस जीरो भी लिखिपारे ये देखो मुझे प्रूफ कौन कराया चाहिए ये जो ए देती ए मीनस ए है दुनिया को भी इंटीजर मन कर इंटीजर वन ट्वेंटी को आप फॉर्म रे देखा देखेदे वन ट्वेंटी इज इक्वल टू थ्री इंटू फोर्टी प्लस जीरो ये देखो थ्री आपंकर बी रैल्यू आसीगला क्यू होगा आपंकर फोर्टी जीरो आपंकर सी बी होगा थ्री एगला वन ट्वेंटी एला एन इंटीजर वन ट्वेंटी को आम रिप्रेजेंट करें सिमिलरली आपने कहे वन ट्वेंटी वन को रिप्रेजेंट करूँ दिस इज इक्वल टू के वन ट्वेंटी वन इज इक्वल टू मुझे लिखिपारि थ्री इंटू फोर्टी प्लस वन ए जगह एगला के वन ट्वेंटी वन बी होगा थ्री बी तो अलरेडी अलवेज थ्री हम देरेडी क्यू होगा फोर्टी सी होगा वन आपण मैंने कहे सी सब फर्टी हम कि ना सी रैल्यू किसी भी आई मीन क्यू रैल्यू फर्टी हम कि क्यू रैल्यू किसी भी होपे डिपेंड कै आपर कौ टाइप क्वेश्चन पचार वन ट्वेंटी वन को आम शो कले सिमिलरली वन ट्वेंटी टू को देखा होना ना वन ट्वेंटी टू थ्री इंटू फोर्टी प्लस टू होने पचारे सर वन ट्वेंटी थ्री को कमी रिप्रेजेंट करवा दिस इज इक्वल टू थ्री इंटू फोर्टी वन हो थ्री इंटू फोर्टी वन प्लस जीरो। सो सब जिनको थ्री क्यू प्लस सी रिप्रेजेंट करें आई मीन थ्री क्यू प्लस थ्री क्यू या तो फिर थ्री क्यू प्लस वन या तो फिर थ्री क्यू प्लस टू फॉर्म रे। सो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ बुझा पड़ा बहुत इजी अच्छी किंतु मन रखा पड़ो बहुत टाइम रे आपण माने सडन बुझीपारे यहाँ कौन क्वेश्चन नंबर नाइन में पचार कहूँ सडनली बुझीपारे मीनस बहुत पिला अच्छा जो मैंने बुझीपारे आराम से किंतु किसी पिला इश्यू हो पाए नाइन में पचार द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय तीनटा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मन कर वन होगा टू होगा थ्री होगा तीन टा कंसेक्यूटिव इंटीजर से प्रोडक्ट के सिक्स थ्री होगा फोर होगा फाइव होगा से प्रोडक्ट थ्री फोर जो के ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू फाइव है सिक्सट देखो आप इंटीजर तीन टा कंसेक्यूटिव इंटीजर नहीं जाए कौन भी तीन टा कंसेक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हवा दरकार से कौन हम से प्रोडक्टा सिक्स डिविजिबल हो कारण प्रथम देखो ये सिक्स डिवाइड कले वन आस ला एटा देखो सिक्सटी को सिक्स डिवाइड कले टेन आसो सिमिलरली आपण मैंने कहे सर ट्वेंटी तापर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू यही तीन टार प्रडक्ट सिक्स डिवाइड हम कि डेफिनेटली हम ट्राए करके देखा ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी वन
इंटु 22 डिवाइडेड बाय 6 डिविजिबल होउछ ना नै देखिबा एटा को प्रथमे देखंतु 2 रे कैंसिल करले 3 आसीबो 2 रे कैंसिल करले 20 को 10 आसीबो अगेन 3 रे 21 को कैंसिल करले 7 आसीबो एबे बुझी पारले ऊपर 10 इंटु 7 इंटु 22 जति के रिजल्ट हो सेति के आसी गला आपनकर रिजल्ट ता माने एथि मध्ये ये 6 रे डिविजिबल हो गेला दुनियार कोनोसी भी 3टा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को पाखा बेकी मल्टीप्लाई करले सेटा 6 रे डिविजिबल हो जइबो एटा क्लास 10 रो रैशनल नंबर क्वेश्चन रैशनल नंबर रो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मन रखंतु आपन अनुकु कहि रखे जो मानकर डिमांड थिला कि सर आमे को बही को फॉलो करिवु मु ऑलरेडी आपन अनुकु कहि सारिछि कि कांसेप्ट आपन को पूरा एनसीईआरटी बुक रु डिटो पकौछि आपन को जो रहला नंबर सिस्टम जोटा आमे एरिथमेटिक वाला करूथिले जदि आपण माने सेठी नंबर सिस्टम रे आपण अनुकु सिंपली पचारथला यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन आपण को बिल्कुल भी केबे पचारिनी सिंपलीफिकेशन रु पचारिची एपीजीपी वगैरह ये सब किछि आपण मानकु क्लास 10 बुक रु बहुत सारा मिलि जिवो किंतु बाकी जो क्वेश्चन रहला टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क ये सब क्वेश्चन जोटा रहला से बहुत रेयर क्वेश्चन पचारुछि सो केयरफुली मु जेमिति आपण को एनालिसिस करैछि जदि आपण देखि नहंती सेटा को प्लीज देखि नेबे आपण मानकु भलो भाबे आइडिया आसी जिवो कि को टाइप रो एग्जाम आपण को क्वेश्चन आपण को एग्जाम रे प्रोवाइड करा जिवो बुझा पला एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 10 रे पचारछि सेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 एमति आगो को बढ़ी इनफाइनाइट पर्यंत तो एटा कोन रिप्रेजेंट करछि दिस रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ होल नंबर होल नंबर कहीं कहली कारण जीरो इनक्लूड अच्छी जदि ये जगह जीरो न था एतिक को आम कौन कही था नेचुरल नंबर बुझा पड़ा कि जीरो इनक्लूड अच्छी से आम होल नंबर कहले आम नंबर सिस्टम को डिवाइड करते नंबर सिस्टम दुईटा पार्ट्रे डिवाइड होता फास्ट थी रैशनल फास्ट थी रियल तापर थी इमेजिनरी रियल तापर थी इमेजिनरी रियल को आम दुईटा पार्ट्रे डिवाइड करते रैशनल एंड इरेशनल रैशनल को दुईटा पार्ट्रे डिवाइड करते इंटीजर एंड फ्रैक्शन इंटीजर को तीन टा पार्ट्रे डिवाइड करते नेगेटिव पॉजिटिव जीरो इंटीजर आम एटा फ्रैक्शन सो फ्रैक्शन को तीन टा पार्ट्रे डिवाइड करते प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आउटा मिक्सड फ्रैक्शन बुझा पड़ा सो यहाँ आप नंबर सिस्टम स्ट्रक्चर तापर एही जगह आप जो पॉजिटिव इंटीजर थी आम नेचुरल नंबर कहते पॉजिटिव इंटीजर सहित जीरो को इनक्लूड कर देला पर आम होल नंबर कहते बुझा पड़ा सो यही जिनको आप भल भाव ध्यान देखिए मन रखिए ये होल नंबर होकर करेक्ट आंसर एवं जो क्वेश्चन नंबर 11 को व्हिच नंबर इज डिविजिबल बाय 11 11 डिविजिबल होने रूल कौन गोटे गोटे नंबर छाड़ी आम देखा से समेसन ये देखूँ डिफरेन्सटा आप जीरो कि 11 हाँ दरकार कौन डिफरेन्स देखूँ ये 1516 अच्छी मु वन को जदि क्यारि कर वन को जदि कनसीडर करी तांगे फाइव को छाड़ी अल्टरनेटिव नंबर को नेबी से समेसन नेबी वन नेबी एटि वन नेबी समेसन के टू फाइव आउ सिक्स सम के इलेवेन सेमर डिफरेन्स के दिस इज इक्वल टू माइनस 9 होता इलेवेन डिविजिबल हेनी ये जो डिफरेन्सटा आइदर जीरो ना इलेवेन मल्टीपुल होते सेटा मोर इलेवेन मल्टीपुल हो देखु केमी ए जगह देखूँ वन प्लस फाइव मिसी के सिक्स 4 प्लस 2 मिसी के 6 डिफरेन्स करूँ के 0 सो यही नंबर आपंकर 11 डिविजिबल हो 11 डिविजिबिलिटी रूल जदि जना तो आपे भी प्रॉब्लम फेस करेंगे नहीं बुझा पड़ा सिंपली आम गोटे नंबर था 1331 गोटे नंबर था यहाँ आपण थी 11 क्यूब यहाँ देखो आम जानी ये 11 डिविजिबल सो ये देखा सैटिस्फाई करना ना नहीं अल्टरनेट नंबर देखो वन सहित 3 आड करूँ के 4 3 सहित 1 आड करूँ के 4 से डिफरेन्स के 0 से 11 डिविजिबल बुझा पड़ा जदि सपोज आउ गोटे नंबर नवा 121 यहाँ तो 11 डिविजिबल आम जाचे ये देखा होना ना सतरे ये देखते वन जदि कनसीडर करी तो वन कनसीडर करी अल्टरनेट नंबर वन प्लस वन इज इक्वल टू होगा ये टू कनसीडर कले अल्टरनेट नंबर किसी ना सो खाली टू को कनसीडर करूँ टू माइनस टू इक्वल टू के 0 सो यहाँ 11 डिविजिबल एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर एक्स एंड वाई व्वेर वाई इज ए मल्टीपल ऑफ एक्स इज गिवेन बाय ताने डेफिनेटली वाई डिवाइडेड बाय एक्स सैटिस्फाई करुव कारण वाई है गोटे मल्टीपल ऑफ एक्स एक्स आ वाई दुटा अलग अलग नंबर बट वाई बाय एक्स किसी ना किसी रिजल्ट आसान वाई एक्स रोटे मल्टीपल ताने जदि एक्स वाई को डिवाइड करपरुच्छली एक्स आ वाई रोटा एलसीएम हम वाई होमर एलसीएम ऑप्शन बी होगा आपंकर करेक्ट आंसर ये आपको किसी बुझा पड़ानी एटा को रियल रियल लाइफ एग्जांपल लेके गोटे देखे दूसरी मन करम पाखे गोटे नंबर अच्छी 8 आउ गोटे नंबर अच्छे 2 बुझा पड़ा सो 8 आउ 2 भितर आपठ नजर करेंगे 2 रोटे मल्टीपल है 8 ओब्विस्ली ताले वाई इज इक्वल टू 8 कनसीडर करूँ एक्स इज इक्वल टू 2 कनसीडर करूँ एम एलसीएम फाइंड आउट करवा आम सियोर हो गले ये जगह एक्स है आई मीन वाई है एक्स गोटे मल्टीपल तम मैंने 8 है 2 रोटे मल्टीपल ताले आम ए जगह एलसीएम फाइंड आउट करवा 2 आउ 8 एलसीएम फाइंड आउट कले प्रथम यहाँ 2 रे कैनसल हे 2 1 जा 2 4 जा
एगेन एटा आउ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करदे फोर इंटू वन है फोर फोर इंटू टू है एट तेल एलसीएम के आसगला एट तो मैंने एलसीएम प्रकृत में कौन थी जोटा आपंकर मल्टीपुल थी नंबर बुझा पड़ा सो ये जगह से वाई होगा आपंकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एवं देखिए सर्कल रिलेटेड किसी क्वेश्चन देखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टैंजेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस फोर सेंटीमीटर इच डिस्टेंस के गोटे सर्कल देदेला से रेडियस फोर सेंटीमीटर रेडियस जदि फोर सेंटीमीटर होगा यहाँ फोर सेंटीमीटर होगा ओब्वियसली डायमीटर के यहाँ फोर सेंटीमीटर अगेन आड हो सी कही दुटा पैरेलल टैंजेंट भितर डिस्टेंस के पैरेलल टैंजेंट ड्र करदी एवं से डिस्टेंस के फोर सेंटीमीटर प्लस फोर सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर होगा एट सेंटीमीटर हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी एटा है आपंकर गोटे टैंजेंट आईटा है आपंकर गोटे टैंजेंट टैंजेंट दुटा पैरेलल टैंजेंट से डिस्टेंस के एट सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर टू देखा ये देखते जो जेड पी आर जेड आर पी एस देखा आपको ये एंगल सिंबल बुझा पाला जेड नुहे एंगल सिंबल इन द गिवन फिगर एंगल आर पी एस इक्वल टू 25 डिग्री आर पी एस यही एंगलटा 25 डिग्री देदेला पचार वैल्यू ऑफ एंगल आर ओ एस के आर ओ एस के मन रखु यही जगह आर ओ एस प्लस आर पी एस दुटा एंगेल वैल्यू मिसिकी 180 डिग्री हम बुझा पाला दुटा एंगेल मेजर मिसिकी 180 डिग्री हम कौन एट देखु यही टैंजेंटा ये जो आर ऊपर जो टैंजेंट जा 90 डिग्री क्रॉस कर 90 डिग्री एंगल प्रोवाइड कर आर ओ एस पी गोटे आई मीन गोटे क्वाड्रिलेटरल हो गले क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल देखो 90 मिसिकी 180 अलरेडी हो सारे टोटल एंगल मिसिकी 360 हवा कथा तेने बाकी जो दुटा एंगेल रहा से मिसिकी 180 हे तो आर ओ एस प्लस आर पी एस इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री हेले आमर ऑलरेडी आरपीएस वैल्यू दी जाइए 25 डिग्री ताले आरओएस के आरओएस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री इक्वल टू 155 डिग्री दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो आपंकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए टैंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 17 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल सी जीरो आर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ इट्स टैंजेंट एट जो सेंटर ओ आर रे देची या जीरो आर रे देची एटा किसी आवश्यकता नहीं सिंपली आप गोटे सर्कल ड्र करूँ सर्कल ड्र पर तार कौन दे ए टैंजेंट ड्रन फ्रम ए पॉइंट अच्छा गोटे पॉइंट जोटा कि 17 सेंटीमीटर डिस्टेंस अच्छी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 17 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल सी जीरो सेंटर रु से कते डिस्टेंस अच्छी 17 सेंटीमीटर एटा 17 सेंटीमीटर टोटल हो गला तापर देची रेडियस हला जो रेडियसटा हे ए पॉइंट रु ए जो रेडियसटा एटा ला 8 सेंटीमीटर रेडियस दे दी 8 सेंटीमीटर तापर लिखी लेंथ ऑफ टैंजेंट ताले ए टैंजेंट को मुझे जदि एपी दे देली एपी रो लेंथ पचार छी एपी इज इक्वल टू केता हो ओब्वियसली एटा को ओ जदि नै जिबा ओ पी ए गोटे राइट एंगल ट्रायंगल रे गोटे साइड दे 8 सेंटीमीटर आउट दे 17 सेंटीमीटर बाकी साइड टा को हमें फाइंड आउट करबा केमिति फाइंड आउट हबो रूट ओवर ऑफ 17 रो स्क्वायर माइनस 18 रो स्क्वायर कारण ये जगह 17 टा कौन एक्चुअली गोटे हाइपोटेनस हिसाब से काम करथियो सो ये जगह आम जब एपी टा फाइंड आउट करवा ओब्वियसली सेटा बेस कि परपेंडिकुलर किसी भी आपन कंसीडर करती ताले बेस कि परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने आम ए फर्मुला अप्लाई करिया आमर पाइथागोरस फर्मुला कौन थी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर आमको जब पी फाइंड आउट करा तो कौन करते एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट करते जब बी फाइंड आउट कराला तो कौन करते एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट करते सो यही जगह आपण मैंने एपी को किसी भी कनसीडर करपारती आई मीन परपेंडिकुलर हो पारे कि बेस हो पारे तो आम 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर करा 17 रो स्क्वायर के 289 माइनस 8 रो स्क्वायर के 64 आंसर के आसो 4 गले 5 6 गले के 18 आई मीन 6 गले आसा 2 तापर एठी आसी 2 2 टू 5 रो रूट इक्वल टू 15 हो आपंकर करेक्ट आंसर दैट मीन्स एपी रही जो लेंथटा हो 15 सेंटीमीटर ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 द लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल लेंथ ऑफ टैंजेंट्स दुटा टैंजेंट ड्र कर देखो ये गोटे सर्कल ड्र कली सर्कल गोटे एक्सटर्नल पॉइंट रु टैंजेंट ड्र करा देखो ये गोटे टैंजेंट ड्र हो पार एक्सटर्नल पॉइंट रुपर एपटर गोटे टैंजेंट ड्र हो पार या व्यतीत आउ टैंजेंट ड्र हो पार नहीं मात्र दुटा टैंजेंट एटा इमेजिन करते ये टच कर बुझा पाला एटा ए होगा एटा बी होगा पी ए पी बी दुटा टैंजेंट हो गला यही दुटा टैंजेंट ऑलवेज इक्वल हे बुझा पड़ा यहाँ आपंकर गोटे थियोरम अच्छी क्लास टेन्थ्रे प्रूफ करने डायरेक्ट मन रखु ये दुटा इक्वाल हे सो दे आर इक्वाल ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा
नंबर ऑफ टेंजेंट टेंजेंट्स ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल इज और आर देखो गोटे केतेटापर गोटे सर्कल देती सर्कल पर मन कर जो ये पॉइंट मुझे कनसीडर करसीडरी पॉइंट पर आम गोटे आवल गोटे टेंजेंट ड्र कर बुझापड़ा यहाँ इमाजिन करूँ कि पॉइंट पर यहाँ क्रस कर सो गोटे आवल मात्र गोटे आम टेंजेंट ड्र कर बुझापड़ा सो वन टेंजेंट इज पॉसिबल केवल गोटे पॉइंट पर पाख पॉइंट ना से आउ गोटे टेंजेंट ड्र हो पार एमती जीव बुझापड़ा आउ गोटे पॉइंट एटी मन करवा एमती गोटे टेंजेंट गला एमती बहुत सारा टेंजेंट आसपार बट गोटे पॉइंट पर केवल मात्र गोटे टेंजेंट आसपार सो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स द टेंजेंट्स ड्रन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर देखो गोटे सर्कल देता सर्कल डायमीटर है डायमीटर एक्सट्रीमिटीज मीनस ए पॉइंट आउ ए पॉइंट दुटा टेंजेंट आम ड्र करवा टेंजेंट एमती आसीज आउ गोटे टेंजेंट एमती आसीज से पचारे कौन है से ओब्वियसली पैरेलल हे देखो ये दुटा लाइन सब इक्वल डिस्टेंस रे सो से कौन है पैरेलल बुझा पड़ी सो ए लाइन ए लाइन र नेम अलग दे दूसरी देखु टेंजेंट आप मन कर जो पी एपटर मन कर क्यू बी सो क्यू बी एपटर गोटे ना दे दूसु एटा सी ए सी बी डी बी क्यू डी आउ ए पी सी दुटा जो रही आप टेंजेंट से अलवेज पैरेलल हे कारण से डिस्टेंस देखते सब जगह बराबर बुझापड़ा सो से पैरेलल ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेन टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कुलर एटा तुम्हें डिस्कसन कले सो गोटे सर्कल अच्छी तरह एक्सटर्नल पॉइंट रूम जब टेंजेंट ड्र करा एपटर गोटे दुटा टेंजेंट हे आई दुटा टेंजेंट कौन है इक्वाल हे ड्र कला बेलूटा एक्चुअली मुझे टैब्रे लिखुची से लिखा बहुत डिफिकल्ट हो फिगर भल से मैच करूनी एटा गोटे होगा एटा गोटे टेंजेंट ए दुटा टेंजेंट सब इक्वाल हे बुझापड़ा सो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज देखु एटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्रथम गोटे आम सर्कल नहीं जा सर्कल सर्कल रु टोटल केते डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे आमे गोटे ड्र करिचे टेंजेंट बुझापड़ा एठू जदि आम ए पॉइंट को जॉइन करवा ओब्वियसली ये 90 डिग्री फॉर्मेशन हो एटा आपन कर दे दीजिए 8 सेंटीमीटर एटा आपन कर पॉइंट पी नहीं नियंतु एटा ए नहीं नियंतु सो एठू जदि ए जो डॉटेड लाइन टा मु ड्र करली सेटा मोर कोन होला रेडियस सो टोटल ए ओ पी को देखंतु गोटे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन हो ना नहीं जदि राइट एंगल फॉर्मेशन है तेल ओब्वियसली एटा जदि मुझ मन करा जो एटा मोर गोटे रेडियस होगा एटा मध्य गोटे रेडियस होगा ये 10 सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर ये जगह को ये जिनसटा को टोटल गोटे राइट एंगल ट्रायंगल ये ड्र करके आपको बुझाऊँ देखूँ एमती ही रहा यहाँ है आप राइट एंगल एटा जदि राइट एंगल है ये आपंकर ए होगा एटा पी एटा ओ ये देखते ओ ए डिस्टेंस के आर हो गला रेडियस आर ओ पी के आर प्लस 10 ओब्वियसली हम आर प्लस 10 आउ एपी के 8 सेंटीमीटर एटा है आर प्लस 10 सेंटीमीटर एटा 8 सेंटीमीटर एटा आर सेंटीमीटर बुझापड़ा सो यही जगह पचार रेडियस आर इज इक्वल टू के डायरेक्टली गोटे सेकेंड ये आम जहाँ यहाँ कनसीडर करे यहाँ टी आप्रोक्सीमेसन भूल अच्छी कितना क्वेश्चन ए रिलेटेड जदि थी कौन हम आंसर कहीदेपर क्वेश्चन रक्चुअली क्वेश्चन कौन देते आम आलसे डिस्कसन करवा जदि यहाँ एमती होता है यहाँ 10 सेंटीमीटर होता है आम या पूर्व जस्ट डिस्कसन करते यहाँ 8 होगा यहाँ जदि 8 होगा यहाँ 17 होता बाकी गोटे सैडटा हो 15 एक्चुअली एटा पूरा ए कनसेप्ट जो डिस्टेंसटा देखिए सेन्टर आम कनसीडर करवा बुझा पड़ी मुझे सेन्टर रू ड्र कर बुझे दूसरी एमती आप्रोक्स एमती आम नहीं पारानी एटा भूल हो जो पचार लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर कौट से सेंटर रू डिस्टेंस आपको बुझे देखूँ गोटे सर्कल मुझे ड्र करदेली सेंटर रू 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस गोटे पॉइंट नेली 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस गोटे पॉइंट आसीगला एवं सर्कल को गोटे टेंजेंट ड्र करी एटा 8 सेंटीमीटर आसीगला ये जॉइन करूँ एटा 90 डिग्री आसीगला एटा 8 सेंटीमीटर ये टोटालटा आपंकर 10 सेंटीमीटर आसीगला जो रेडियसटा के पचार ओब्वियसली एटा 6 सेंटीमीटर हम कारण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एम होती पाइथागोरियन ट्रिपलेट केमती देखो कारण 10 र स्क्वायर इक्वल टू 8 र स्क्वायर प्लस 6 र स्क्वायर ओब्वियसली बुझापड़ा सो ए जगह 10 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एटा है आपंकर पाइथागोरियन ट्रिपलेट सो ए जगह रेडियस के 6 सेंटीमीटर ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर बुझापड़ा जदि एमती भी आपंक डिफिकल्ट होता है तो फाइंड आउट करेंगे
टेन रक्वयर माइनस एट रक्वयर रुट ओवर इज इक्वल टू रेडियस हो टेन रक्वयर के हंड्रेड माइनस एट रक्वयर होगा सिक्सटी फोर इक्वल टू के रुट ओवर अफ आई मीन यहाँ हो आर सो यहाँ रुट ओवर अफ थर्टी सिक्स इक्वल टू आर ताले आर इज इक्वल टू के सिक्स हो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पचार इन द गिवन फिगर सीपी एंड सिक्यू आर टैंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ सीपी आउ सिक्यू ओब्विस्ली सीपी इज इक्वल टू सिक्यू हो ए आर बी इज अनदर टैंजेंट टचिंग द सर्कल एट आर अच्छा ए बी आउ गोटे टैंजेंट सर्कल को ए आर रे टच करुच लिखी इफ सीपी इज इक्वल टू इलेवेन सेंटीमीटर जदि सीपी टोटल एट हो पर्यटन जो डिस्टेंस रहा इलेवेन सेंटीमीटर जदि हुए एंड बी सी इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर ये जो बी रु नहीं कि सी पर्यंत जो सिक्स सेंटीमीटर हुए यहाँ सिक्स सेंटीमीटर तापर पचार देन द लेंथ ऑफ बी आर रो लेंथ के बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूरा इरेज करके अच्छा आपण मानक बुझे दूसरी देखते ये गोटे ये आप सर्कल हो गला बाहर ये गोटे टैंजेंट एठ गोटे टैंजेंट जाठू गोटे टैंजेंट जापर ये गोटे टैंजेंट जा अलग कलर नहीं आसिक बुझे देखते टैंजेंट मन रखु ये जदि या गोटे पॉइंट बोली कनसीडर करवा यही पॉइंट रु या गोटे टैंजेंट होटा गोटे टैंजेंट होता एपटा भी गोटे टैंजेंट होने यहीटा सहित यहीटा इक्वाल बुझा पड़ा आमको देखिए ये लेंथ देते सिक्स सेंटीमीटर दे गोटे सेकेंड सिक्स सेंटीमीटर सिक्स सेंटीमीटर लिखापी बेले बेले हांग हो सो ये सिक्स सेंटीमीटर देने टोटाल देखू एपर्यंत देते इलेवेन सेंटीमीटर तेल यहीटा सहित एपट सैडटा भी बराबर मानते ये पूरा लेंथटा बराबर किंतु इलेवेन रु अलरेडी एटी सिक्स सेंटीमीटर जाए के फाइव सेंटीमीटर आम सियोर हो गले लेंथटा है फाइव सेंटीमीटर ये लेंथटा यहाँ यहाँ तापर यहीटा भी फाइव सेंटीमीटर होब्विस्ली यहाँ जब फाइव है यहाँ फाइव सेंटीमीटर हो बुझा पड़ा आपण मूँ कहली टैंजेंट यहाँ कौन हो फाइव सेंटीमीटर तेल फाइव प्लस फाइव टोटाल के टेन सेंटीमीटर से केवल पचार कौन बी आर लेंथ बी आर के फाइव सेंटीमीटर ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर बुझा पड़ा टोटाल जदि पचार था बी ए के हम तेल दिस इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर होता तेल बी आर जदि पचारिटा हो सिक्स सेंटीमीटर मन रखु बी आर केवल से टेन सेंटीमीटर हम जिते बड़े ये जो आर पॉइंटा जदि ये जो सेंटर ओ को आम सी सहित जॉइन करवा आउ ये पॉइंट एट क्रॉस कला आर पॉइंट जदि ताऊपर आसला तेब जाकि बी टेन सेंटीमीटर हम आई मीन बी ए टोटाल टेन सेंटीमीटर हम ना हेनी किंतु यही जगह आमको बी आर केवल पचार सो बी आर के सिक्स सेंटीमीटर होगा करेक्ट आंसर बुझा पड़ी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टिन पचार आई मीन यहाँ क्वेश्चन नंबर कैसे टेन ये पचार फ्रम ए पॉइंट पी हुई इज आट डिस्टेंस थर्टिन सेंटीमीटर फ्रम द सेंटर ओ अच्छा यहाँ गोटे सर्कल मेटर करवा सर्कल सेंटर रु थर्टिन सेंटीमीटर डिस्टेंस गोटे पॉइंट अच्छी से पी सर्कल सेंटर है ओ रेडियस है फाइव सेंटीमीटर रेडियस फाइव सेंटीमीटर एवं पचार लेंथ ऑफ टैंजेंट ओब्वियसली पचार कारण पाइथागोरस ट्रिपलेट ट्वेल्व हो करेक्ट आंसर ये पचार द पेयर ऑफ टैंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर टू द सर्कल आर ड्रॉन ए टू पी क्यू तापर एपटे पी आर ड्र कराला देन द एरिया ऑफ द अच्छा एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर पचार पी क्यू ओ आर एवं देखो यहाँ पी क्यू होगा पी क्यू ओ यहाँ आर पी क्यू ओ आर एरिया पचार मन रखु यहीटा जदि आपर फाइव है यहाँ आप ट्वेल्व हो कारण फाइव ट्वेल्व आउ थर्टिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट ताले आमे जदि प्रथम ट्रायंगल एरिया बाहर करदेबा एटा सेम एरिया आसो तमें क्वाड्रिलेटरल टोटल एरिया प्रथम ट्रायंगल एरिया सहित एटा मल्टीप्लाई करदे ए प्रथम ट्रायंगल एरिया कौन हो हाफ इंटू बेस को जदि ट्वेल्व नवा हाइट के फाइव हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एटा है एरिया प्रथम ट्रायंगल ता सहित जो टू मल्टीप्लाई करदे टोटल एरिया बाहर टू मल्टीप्लाई कले टू टू कैनसल ट्वेल्व इंटू फाइव है के सिक्सटी सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन ए हो आपर करेक्ट आंसर बुझा पड़ा क्वेश्चन इलेवेन रे कौन पचार देखु द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर टैंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर ओ ए बी आउ ए सी दुटा टैंजेंट होगा सच दैट बी ए सी इज फोर्टी डिग्री एटा बी ए सी फोर्टी डिग्री होगा बी ओ सी केव बी ओ सी के फोर्टी प्लस एक्स इक्वाल टू वन एट्टी या पूर्व डिस्कसन करते हैं यहाँ के एक्स इज इक्वाल टू एटा को आम एक्स भाविले एक्स इज इक्वाल क्या वन एट्टी माइनस फोर्टी इक्वाल टू वन फोर्टी डिग्री ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर क्वेश्चन ट्वेल्व पचार इन द गिवन फिगर पॉइंट पी इज 26 सेंटीमीटर आवे फ्रॉम द सेंटर ओ ताले पी टा ए टू 26 सेंटीमीटर दूर अच्छे सेंटर बुझा पड़ा पचार एंड द लेंथ ऑफ पी टी ऑफ द टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर यहाँ है आप 24 सेंटीमीटर
देन द रेडियस ऑफ द सर्कल ए रेडियसटा पचार आम कौन करवा 26 र स्क्वायर माइनस 24 र स्क्वायर र रूट करदे बुझा पड़ा दिस इज इक्वल के 26 र स्क्वायर के 25 रहा 625 26 रहा 676 24 रहा 576 रूट करदे दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 100 इक्वल टू 10 हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बुझा पड़ा एति की आप क्वेश्चन पुणी मिसिबा आ गोटे नुआ वीडियो रे किंतु आमर जो 50 डे प्लान थिला 50 डे प्लान हिसाब रे आमर आज हला लास्ट डे आमे जेमिति प्रॉमिस करथिले आमो प्रॉमिस आमे रखिले 50 डे आमे कंप्लीट क्लास कंप्लीट करले बहुत सेति पई मु बहुत खुशी कि आमे जहाँ टारगेट नहींथिले टारगेट आमे फुलफिल करले आगु को मध्ये आमे टारगेट नबा आउ टारगेट को फुलफिल करिया पई जी जान लगे दबा भलो भाबे प्रिपेरेशन करूथांतु एएसओ एग्जाम पई आमे जहाँ टारगेट करिबा से ही आगो फुलफिल करिबा तापरे आमे को जदि रिजल्ट न मिलिला देन भगवान कर दोष बुझा पड़ला कारण आमे जदि मेहनत करिबा डेफिनेटली आमको मेहनत र रिजल्ट मिल जिवो मु एटा 100% आपनन कहि परबि जदि आमे टारगेट नै कि पढिबा जहाँ जहाँ कंप्लीट करबा जो जो टारगेट नबा ताको आमे सेही टारगेट फिल अप नकला पर्यंत सेही टारगेट को फुलफिल नकला पर्यंत आमे केबे भी अन्य काम को ध्यान दबानी एएसओ एग्जाम पर्यंत आमर मेन टारगेट हला मु आपन मानकर मन रखंतु प्रथमे आपनकर मैथमेटिक्स आपनकर कंप्लीट कराइ देली एबे मैथमेटिक्स र इंटर किछि इंटरवल भितर क्वेश्चन आपनकर गोटे गोटे आनी देबी वीडियो आनी देबी तापर एबे आपनकर रीजनिंग मु स्टार्ट करबी रीजनिंग स्टार्ट करया सहित जेबे भी मते कंफर्टेबल लागिवो कंफर्टेबल मीन्स एबे ठीक अधिक सब काम रे एंगेज रहिबारु टाइम देई पारुनी सेति पई जेबे मते कंफर्टेबल लागिवो सेबे इमिडिएटली मु ओडिया मध्ये आपनकर ट्राई करबी कंप्लीट करया पई आ जदि केबे पॉसिबल हुए ताले जीके रो किछि किछि क्वेश्चन आने पई ट्राई करबी मु सेति पई कहू छी ट्राई करबी कारण मु जानिनी 100% करि परबी कि नाही टाइम न मिलले जदि न करि परबी आपनकु कहि दउथिबी न करि परले सेटा मते ठीक लागिवनी सेतिपाई आपण माने मानिक चालंतु कि रीजनिंग आपनकर डेफिनेटली स्टार्ट हो 1-2 डेज भितर कारण रीजनिंग पे सब प्लान हो सारी इमिडिएटली स्टार्ट कर दिखाँ कि गोटे दिन आपको गैप देवाई पड़ो कारण 50 डे होगा आम कंटिन्यूअसली पढ़ुचे प्रत्येक दिन को गोटे दिन भी आम गैप ना सो आम टे गोटे दिन रेस्ट ना तापर आम इमिडिएटली रीजनिंग स्टार्ट करदे रीजनिंग कंटिन्यूअसली चलो 50 डे पर्यटन जमी मैथ्र प्लान करते सेमती रीजनिंग चलो आउ रीजनिंग भितर भी जदि मत के टाइम मिले ओडिया तसत जिके जहाँ जहाँ जी मत कंफर्टेबल लगे से आपण सहित सेयार करने चेस्ट करी जिके मत मुझे कंफर्टेबल नुहे फिर भी मुझे ट्राए करी बट ओडिया मत कंफर्टेबल अच्छी आ रीजनिंग भी कंफर्टेबल अच्छी बुझा पड़ा कंफर्टेबल अच्छी मीनस मुझ रीजनिंग आड़िया को आपको भल भाव बुझे पारि कि जिके बुझेगा तो किसी आवश्यक ना से जिके मत सब बोरींग सब्जेक्ट भाया लगे पढ़ की खाली मन रखार अच्छी सो मुंकर मैथमेटिक्स कंप्लीट करी रीजनिंग आड़िया केवल रीजनिंग मुझे आपको रीजनिंग आपको एति कहपरि कि रीजनिंग आप टेनसन आनी कारण रीजनिंग एवं मुझे हाँडेल करदेवि तापर देखूँ ओडिया तापर मुझे जब ओडिया स्टार्ट करी से विषय में कहबी कितु ओडियापे भाविक चलत कि मुझिया करी कारण ओडियापी मुझ प्लां किसी बन एपर्त प्लां अच्छी कि हो पाए तापी मुझे किसी प्लां करी जब प्लां करी से सहित सेयार करी तापर आम ओडिया कंटिन्यू करवा आशा करुच्छे भिडियो आपको बहुत जिन शिखापी मिली थी आज भिडियो 50 डे कम्प्लीट हो पारा मत से बहुत खुशी लगुच आपण सहित टोटल 50 डे होगा 50 भिडियो आपन को 50 भिडियो मैंने आमको कहक जी इजी लगेगा एवं से इजी नाला टोटाल सफर जो मैंने स्टार्टिंग अच्छा भल भाव जानते कैसे डिफिकल्टी थी मझे मझे गोटे मुनिटा भिड मोर अपलोड कर इश्यू होता आमको 100% तो आम परफेक्ट हो पारानी आम तो भगवान नुहे किसी एरर रहे फिर भी आम टार्गेटा ठीक डे फुलफिल करदे से बहुत बड़ कथ सो आज भिडियो को ये एंड करवा पुणी मिस आउ गोटे नुआ भिड मीन्स का तो वीडियो आपंकर रही आई थिंक गोटे दिन में गैप ना जदि दरकार पड़े काली आपको किसी ना किसी गोटे छोटमोट किसी गोटे वीडियो जो जो रिलेटेड आम डिस्कसन कर मैथ्रे आम कौन रहा स्ट्राटेजी रिलेटेड करके किसी वीडियो दे पारे कारण कंटिन्यूअसली आम कौ गोटे दिन भी टच छाड़बानी टच छाड़गले भल लगे का जस्ट गोटे एमती नर्माल वीडियो गोटे आसीज पढ़ापढ़ी रिलेटेड किसी वीडियो ना स्ट्राटेजी वीडियो मे भी आसपे आज आपको आउ गोटे जेहेतु आम सक्सेसफुल होगा 50 डे वाला प्लान से रिलेटेड गोटे छोटो भिडटे बन 2-3 मिनिट कि 5 मिनिट भितर तापर काली आउ गोटे भिडटे रहा पर हमें रीजनिंग स्टार्ट करवा काली जो भिडटा से जस्ट एंटरटेनमेंट भाई आपने नहीं पारती एंटरटेनमेंट तो नुहे पढ़ा रिलेटेड आम एंटरटेनमेंट नहीं पारानी मैंने जस्ट सैटा न देखे भी चलो आम डिस्कसन करवा कि आमको आगे कौन करार अच्छी अलरेडी डिस्कसन सब हो सारी मुझे कंपाउंडिंग करके गोटे जगह डिस्कसन करदेवी आपण मैंने जब वीडियो कंटिन्यूअसली देखुए कंप्लीट देखुए देन से वीडियो न देखले भी किसी प्रॉब्लम होनी सो फिर भी मु समस्त को जाना गोटे वीडियो आने पड़ो से नहीं आसवि चलो आज वीडियो को ये एंड करवा पुणी मिसा आउ गोटा नुआ वीडियो से पर्यटन थैंक यू सो मच।